नमस्ते, मैं राजविंदर और आज हम एक और सब्सक्राइबर का जो एक कमेंट है, एक क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन पे यूट्यूब के, उसको मैं आंसर करूंगा। तो मुझे मेरे जो सब्सक्राइबर है वो ये क्वेश्चन पूछते हैं, उन्होंने ये कमेंट किया है कि सर प्लीज हेल्प मी, आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ OCD, माई थॉट्स आर वाई जेफ बेजोस इज वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन एंड इफ आई विल बी द सेकेंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड आई विल नॉट कंसिडर माई सेल्फ अ सक्सेसफुल मैन। जेफ बेजोस, जिनको नहीं पता, वो अमेजोन के मालिक है। तो ये जो है मेरे सब्सक्राइबर, वो ये कहते हैं कि उनके दिमाग में ये थॉट आता रहता है कि जेफ बेजोस सबसे दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन क्यों है, और अगर मैं सेकेंड रिचेस्ट पर्सन भी बना तब भी मैं अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानूंगा, क्योंकि जेफ बेजोस फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन है। देखिए, अभी तो फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन चेंज होता रहता है, कभी इलॉन मस्क है, कभी वो है। तो बेसिकली आपका जो ये थॉट है वो इलॉजिकल भी है, क्योंकि जेफ बेजोस हमेशा फर्स्ट पर्सन तो नहीं रहेंगे रिचेस्ट पर्सन, बिल गेट्स थे पहले, इलॉन मस्क बीच में हुए, तो डिफरेंट डिफरेंट लोग चेंज होते रहते हैं। बट वो मसला नहीं है, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये एक इलॉजिकल थॉट है। ठीक है, ये एक यूजफुल थॉट नहीं है। ये थॉट आपको आ रहा है तो इसकी वजह से आपको में एंग्जाइटी हो रही है। ये बेसिकली OCD थॉट है। OCD थॉट में ये इंट्रूसिव थॉट है, जो ये दिमाग में आपके विचार आ रहा है जब आपको नहीं चाहिए, उसकी वजह से हो रही है एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी को आप दबाने के लिए कर रहे हैं कंपल्शन। आपने अपने कंपल्शन नहीं लिखे, बट आई एम श्योर ये कंपल्शन है। जैसे आप रीअश्योरेंस मांग रहे हो, ये कमेंट करके आप रीअश्योरेंस मांग रहे हो, आप अपने आप से बात करते होगे, आर्ग्यू करते होगे, तो ये आपके कंपल्शन है। तो इसका किया क्या जाए? देखिए, ये विचार आप चाहे कितना भी सोच लो, अभी जेफ बेजोस है, अगली बार इलॉन मस्क हो जाएगा, तो ये विचार कभी जाएगा नहीं, ये विचार बार बार आता रहेगा। तो इस विचार का क्या करें? इस विचार के साथ आपको जो एंग्जाइटी हो रही है उसको आपको हैंडल करना है। तो एंग्जाइटी को आपको फेस करना आना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही जो सिंपल तरीका है जो मेरे दिमाग में आता है वो है ERP। आपको ना अपने दिमाग में खुद सोचना होगा कि जेफ बेजोस, जैसे आप बैठे आराम से और आपने सोचा कि जेफ बेजोस फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है, और मतलब कि वो सबसे रिच पर्सन है, मैं अगर रिच नहीं हुआ तो भी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, ये थॉट आपके दिमाग में खुद से लेके आओ, ठीक है, बैठ के, और एंग्जाइटी आएगी उसको फेस करो। आपका हाथ में कांपेगा, आपको मतलब गला सूखेगा, आप उसको फेस करो। पहले दिन 2 मिनट फेस करो, 2 मिनट फेस करो और उठ जाओ। फिर अगले दिन 4 मिनट फेस करो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और साथ साथ में जैसे जैसे आप फेस करते रहोगे वैसे वैसे एंग्जाइटी कम होती रहेगी। तो आपको ये करते रहना पड़ेगा, ठीक है। साथ में आप एक और चीज करो, आप मेडिटेशन करना शुरू करो। मेडिटेशन आप शुरू करोगे तो आप अपने विचारों को इग्नोर करना सीखोगे, कि विचारों को कैसे जाने देना। अभी क्या है कि विचार चिपक रहे हैं आपके दिमाग में, तो आप मेडिटेशन करो तो विचार जाने लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप एक्ट थेरेपी भी कर सकते हैं, बट पहले मैं आपको बोलूंगा कि शुरू के 1.5-2 महीने आप बस ERP थेरेपी करिए, ERP करिए और मेडिटेशन शुरू करिए। मेडिटेशन कम से कम 5-7 मिनट कीजिए सुबह, ब्रश वगैरह करते हैं जब उठते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, रूटीन करते हैं, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए और फिर मेडिटेशन कीजिए। 5-7 मिनट हर दिन मेडिटेशन कीजिए तो आपको फायदा होगा, ठीक है। और साथ में ERP आपको, जैसे मैंने आपको बताया, 2-4 मिनट से शुरू करके धीरे 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 बढ़ाओ। इस विचार के साथ जो एंग्जाइटी है उसको झेलना सीखो। वो एंग्जाइटी झेलना सीख जाओगे तो ये विचार आपको तंग नहीं करेगा, 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूँ आप वो करिए। और आपको भी अगर कोई भी डाउट है, यूट्यूब पे आप मेरे कमेंट कीजिए क्वेश्चन और मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। तो ये मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है कि सब्सक्राइबर, क्योंकि मैंने OCD के बारे में तो सबको समझा दिया है, जो भी कुछ समझने वाली चीज़ है आप मेरी वीडियोस देख लो, पूरी वीडियोस देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा OCD के बारे में। तो अब मैं एक एक करके सब्सक्राइबर्स की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे अपने क्वेश्चन, अपने डाउट पूछिए और मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। लाइफ में कोई भी इश्यू हो, कोई भी परेशानी हो, कीप फाइटिंग।